हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल के किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुंदरू की रेसिपी लेकर के आए हैं, जो कि खाने में यमी होती ही है, लेकिन अपने शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम अपने बनाते हैं कुंदरू की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम कुंदरू ले लिए हैं और अब मैं इसे कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है और अब हम इसे 4 पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे 2 पीसेस में भी रख सकते हैं। इस तरह से कट करेंगे हम। हमने अपने सारे कुंदरुओं को काट लिया है। अब हमें चाहिए प्याज, अब हमें चाहिए 2 टमाटर और 2 प्याज। अगर आपके पास 2 बड़े साइज के प्याज हैं तो 2 बड़े साइज के ले लीजिए, या छोटे छोटे 3 ले लीजिए। अब हम इसे कट करके इनका पेस्ट रेडी करेंगे। हमने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, उसका पेस्ट रेडी करेंगे। हमने देखिए अपने प्याज का पेस्ट बना लिया है, अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। हमने अपने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है, इसे भी हम निकाल लेंगे किसी बाउल में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने ले ली है कढ़ाई को, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाला है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है, ऑयल हमारा गरम होने लगा है अच्छे से। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे अपना ऑनियन का पेस्ट। हम प्याज को थोड़ा फ्राई होने देंगे इसी तरह से चलाते हुए। हम यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज जो है फ्राई होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना टमाटो, यानी कि टमाटर का पेस्ट। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे अपने। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हम इन्हें बहुत ही कम मसालों में बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो भी मसाले आपको ज़्यादा पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए गरम मसाला। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 लाल मिर्ची ऐड करेंगे, जो कि मैंने ग्रीन वाली ही सुखा करके रेड की है। फ्रेंड्स, अब हम ऐड कर देंगे अपने कुंदरू। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मसाले में। फ्रेंड्स, वैसे तो हम इसमें सॉल्ट डाल चुके हैं, लेकिन हम इसमें और थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसे हम पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है हमें।
बस इतने से ही पानी में ये अच्छे से पक जाएगी। अब हम इसे ढककर पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। लगभग 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। लगभग फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इन्हें चेक कर लिया है, लेकिन ये अभी अच्छे से पके नहीं हैं। हमें इन्हें 5 मिनट के लिए फिर से ढक करके रखना होगा। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी चेक कर लेते हैं सब्जी को। एकदम परफेक्ट सब्जी बन चुकी है हमारी। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर हम आपको किसी बाउल में निकाल के दिखाते हैं सर्व करके। फ्रेंड्स देखिए हमारी परम कुंदरू की सब्जी रेडी है। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट द्वारा हमें बताइएगा कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।